तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लेंस फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि लेंस फार्मूला होता क्या है। जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था वैसे ही लेंस फार्मूला होता है। बच्चों बेसिकली लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। जो फोकल लेंथ की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 1/v - 1/u। देखिये बच्चों इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिलेशन है आपका फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, लेंस के अंदर फोकल लेंथ में, इमेज डिस्टेंस में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों चीजों में क्या रिलेशन है, तो ये आपका डिफाइन किया जाता है किसके थ्रू, लेंस फार्मूला के थ्रू। लेंस फार्मूला बेसिकली आपका रिलेशन बताता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेशन बताता है कि इनके बीच क्या रिलेशन क्या है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या डिफाइंड होता है कि 1/f = 1/v - 1/u। ये बच्चा था आपका लेंस फॉर्मूला, आपके क्वेश्चंस इसी पर से आते हैं। बच्चों एक आता है फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला और डिराइव होते हैं, दोनों मैग्निफिकेशन के ही फॉर्मूले होते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बच्चों इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से कितना गुना इमेज बड़ा बन रहा है, उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं। एक्चुअली में बच्चों ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली आपको क्या बताता है, रिलेशन बताता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। और क्या बताता है, ये रेशियो बताता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रेशियो क्या है, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये कितना गुना इमेज बड़ा बनेगा। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, ये मैग्निफिकेशन यही चीज बताता है। एक और यहीं से फॉर्मूला डिराइव होता है बच्चों, ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो। यहां से बच्चों हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और m इज इक्वल टू वी अपॉन यू है, तो ये तीनों क्या होंगे, m के इक्वल होंगे। तो यहां से एक और फॉर्मूला बच्चों डिराइव हो सकता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका एक और रिलेशन बनता है कि मान लीजिए आपको किसी कंडीशन में मैग्निफिकेशन ना दे रखी है, आपको हाइट ऑफ इमेज दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, तो आपको अगर इमेज डिस्टेंस पूछेगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन निकलता है कि मैग्निफिकेशन में जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ कैसे निकलता है वो इस फॉर्मूले में बताया गया। बच्चों लेंस के कैटेगरी में आप लोग एक और चीज पढ़ते हैं जो कि होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आई डॉक्टर के पास, तो क्या बताता है कि आपको इतने पावर का लेंस लगेगा। तो ये पावर ऑफ लेंस कैसे कैलकुलेट होता है तो इसको हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। जो फोकल लेंथ हम यहां से फाइंड कर रहे हैं ना बच्चों, इसी का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होता है वही क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस कहलाता है। और ये जो रेसिप्रोकल वैल्यू होनी चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो पावर ऑफ लेंस क्या डिफाइन करता है कि पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, मतलब जो पावर ऑफ लेंस आता है उसमें जो फोकल लेंथ की वैल्यू रहती है वो मीटर में रहती है। ये रेसिप्रोकल होता है किसका, अगर कोई पूछेगा आपसे कि पावर ऑफ लेंस क्या है तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है बच्चों। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। जो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। जो पावर की एसआई यूनिट है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो 1 डायोप्टर = 1 मीटर - 1। तो 1 मीटर माइनस, पावर के माइनस वन का मतलब क्या है कि 1 डायोप्टर = तो हम लिख सकते हैं 1/1 मीटर, ये ऐसे लिखा जा सकता है, आपने पढ़ा होगा, सॉरी डायोप्टर = 1 डायोप्टर = ऐसे लिखा जा सकता है, 1 डायोप्टर = 1/1 मीटर इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों हमने दो टाइप के लेंस पढ़े थे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होती है हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव आती है। तो ये था बच्चों पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आता है P = 1/F, जो F की वैल्यू होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए,
मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये बच्चों आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है लाइट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे।